वेलकम एवरीवन, आई एम योर टीचिंग बडी सुधीर सिंह। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ द स्टोरी द ट्रोल्स मिरर। लेट्स स्टार्ट दिस। व्हाट हैड सडनली हैपेंड दैट हैड चेंज्ड के? अचानक से ऐसा क्या हो गया था जिसने के को एकदम बदल के रख दिया था? सडनली मतलब अचानक। व्हेन जर्डा हैड शोन हिम अ प्रिटी फ्लावर, ही हैड पॉइंटेड आउट रूडली That it had a worm in it. जब जर्डा ने उसे एक प्रीटी फ्लावर दिखाया तो के ने क्या किया? के ने कहा, हटाओ इसे, हटाओ मेरे पास से, इसके अंदर तो वॉर्म है। इट हैड अ वॉर्म इन इट। ही हैड नॉट सीन इट्स ब्यूटी एट ऑल। उसे उस फ्लावर का ब्यूटी, खूबसूरती तो दिख ही नहीं रहा था। उसे उस फ्लावर में क्या देख रहा था? सिर्फ उसे उस फ्लावर में सिर्फ एक वॉर्म देख रहा था। Nobody knew that a splinter of glass tiny as a dust had gone into K's eyes and caused the mischief. Nobody knew. किसी को भी नहीं पता था कि splinter of glass मतलब कांच का टुकड़ा, जो कि एक धूल के बराबर था, tiny as a dust, had gone into K's eyes. वो कहाँ जा चुका था? वो K की आँखों में चला गया था. And caused the mischief. और वो क्या कर रहा था? मिसचीफ कर रहा था। मिसचीफ मतलब मिसबिहेव कर रहा था के के साथ, जिसके वजह से के क्या कर रहा था? के दूसरों के साथ मिसबिहेव कर रहा था। इट वॉज अ स्प्लिंटर फ्रॉम अ मैजिक मिरर। ये जो स्प्लिंटर था, ये जो कांच का टुकड़ा था, वो कहाँ का था? वो एक मैजिक मिरर का छोटा सा टुकड़ा था, विच हैड बीन इन्वेंटेड बाय अ विकेड ट्रोल, जो कि किसके द्वारा इन्वेंटेड हुआ था? विकेड ट्रोल। इन्वेंटेड मतलब क्रिएटेड, मतलब बनाना। कोई नई चीज़ को जब हम बनाते हैं तो उसको इन्वेंटेड कहते हैं, इन्वेंशन करना। बाय अ विकेड ट्रोल। और ये जो मैजिक मिरर था, उसे किसने बनाया था? एक विकेड ट्रोल ने। विकेड मतलब एविल, एविल ट्रोल ने उसे बनाया था। द ट्रोल लव्ड टू मेक ट्रबल एंड मिसचीफ। वो जो ट्रोल था, उसे क्या करना पसंद था? लव टू मेक मतलब जो चीज़ हमें करना पसंद होता है उसको कहते हैं लव टू मेक। ट्रोल लव टू मेक ट्रबल एंड मिसचीव। ट्रोल को क्या पसंद था? उसे दूसरों के लिए परेशानी खड़ा करना पसंद था, और दूसरों के साथ मिसचीव मतलब मिसबिहेव करना पसंद था। ही वॉज अ प्यूपल ऑफ द डेविल। वो क्या था? वो डेविल का प्यूपल था। प्यूपल मतलब स्टूडेंट, जैसे आप लोग स्टूडेंट होते हैं ना, टीचर्स के स्टूडेंट, उसी तरह उनका टीचर कौन था? डेविल था। और वो उनका क्या था? प्यूपल था, मतलब स्टूडेंट था। द डेविल थॉट द मिरर अ वेरी क्लेवर इन्वेंशन। और उस डेविल ने क्या सोचा कि अरे ये मिरर तो बहुत ही शानदार इन्वेंशन है, इससे तो पूरी दुनिया को हम लोग किसमें ट्रबल में डाल सकते हैं और उनके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। इट शोड थिंग्स नॉट एज दे वर बट इन अ स्ट्रेंज एंड इविल वे। इस मिरर में जो चीज़ जैसा था वैसा नहीं दिखाता था। इसमें क्या लिखा है? इट शोड थिंग्स नॉट एज दे वर, मतलब जैसा था वैसा नहीं दिखाता था, बट इन अ स्ट्रेंज एंड इविल वे। और वो क्या दिखाता? एक अलग तरीके से और गंदे तरीके में दिखाता था। एवरीथिंग गुड एंड ब्यूटिफुल अपीयर टाइनी एंड स्मॉल एंड ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम व्यू। जो भी चीज़ हम उस मिरर के सामने रख देते थे, वो क्या हो जाता था? कोई भी अच्छी, मतलब सुंदर चीज़, अच्छी चीज़ ला के अगर उस मिरर के सामने रख दे तो वो क्या होता था? छोटा होता जाता था, छोटा होता जाता था। मतलब यहाँ पे लिखा ना स्मॉल एंड टाइनी, टाइनी मतलब स्मॉल से भी स्मॉल, जो सबसे छोटा होता है उसको टाइनी कहते हैं। एंड ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द व्यू। और वो क्या होता था? हमारी नज़रों के सामने से गायब हो जाता था। वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, वॉश अवे, ठीक है? वो हमारी नज़रों के सामने एकदम गायब हो जाता था। Everything evil and ugly appeared larger than it really was, and uglier and more horrible and more unpleasant. मतलब जब भी हम कोई अगली चीज़ या evil चीज़ उस मिरर के सामने रखते थे तो वो क्या होता था? वो पहले से और ज़्यादा uglier दिखने लगता था, और ज़्यादा horrible दिखने लगता था, और unpleasant दिखने लगता था। मतलब क्या था इस मिरर का सिस्टम, कि अगर इसके सामने हम कोई भी अच्छी चीज़ रखें, गुड एंड ब्यूटिफुल चीज़ रखें, तो क्या होता था? वो टाइनी एंड स्मॉल होता चला जाता था, और एंड ऑलमोस्ट वैनिश फ्रॉम द व्यू, और वो हमारी नज़रों के सामने से गायब हो जाता था। लेकिन जब हम लोग कोई एविल चीज़ रखते थे तो वो क्या होता था?
एंड अ क्लियर एंड मोर हॉरिबल एंड मोर अनप्लीजेंट। वो हमें और ज़्यादा डरावना और ज़्यादा भद्दा और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गंदा दिखता था। द ट्रोल एंड हिज मास्टर वर डिलाइटेड विद द हॉरिबल मिरर। लेकिन जो ट्रोल थे और जो उनके मास्टर थे वो बहुत खुश थे इस मिरर के साथ। डिलाइटेड मतलब खुश। दे कैरीड इट ऑल ओवर द वर्ल्ड सो दैट एवरी थिंग एंड एवरीबडी कुड बी सीन इन इट एंड मेड टू लुक अगली। वो जहाँ भी जाते थे इसे हमेशा अपने साथ क्या करते थे, कैरी करते थे, ताकि जब कभी भी वो कुछ भी चीज़, मतलब एवरीथिंग या फिर किसी को भी, एवरीबडी, जब भी उस मिरर में कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान को उस मिरर में देखे, तो वो इंसान वो चीज़ उन्हें उस मिरर में कैसा दिखता था, अगली दिखता था। और ये देख कर उन्हें क्या कैसा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। दे वर वेरी डिलाइटेड टू सी इट। दे लव्ड एंड लव्ड एट ऑल द थिंग्स दे सॉ इन इट। वो जो भी उस मिरर में देखते थे, जब भी उस मिरर में देखते थे और जो चीज़ पहले से अगली था और उसको अगलियर देखने लगता था, वो ये चीज़ देख के उन्हें कैसा लगता था, बहुत ही मज़ेदार लगता था। वो बहुत खुश होते थे, वो बहुत हंसते थे। बट वन डे द मिरर स्लिप्ड फ्रॉम देयर हैंड्स। पर एक दिन, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो मिरर उनके हाथ से स्लिप कर गया, फिसल गया, और क्या हुआ, नीचे गिर के वो टूट गया। इट फेल एंड ब्रोक इन टू मिलियन ऑफ पीसेस स्मॉल एंड लाइट एज डस्ट। इट फेल एंड ब्रोक, वो गिरा और गिर के क्या हो गया, हजारों टुकड़ों में, मिलियंस ऑफ पीस में वो बिखर गया। अब वो एकदम अब धूल की तरह हो चुका था, मतलब कि एकदम फूक दो तो वो उड़ जाए, इतना ज़्यादा मतलब डस्ट की जैसा हो चुका था। एंड देन द टाइनी पीसेस ऑफ ग्लास फ्रॉम द मिरर मेड इवन मोर मिसचीफ देन बिफोर। अब क्या था, अब परेशानी और बढ़ गई, मतलब जो मिरर पहले इतना तंग करता था कि किसी भी ख़राब चीज़ को और भी ख़राब दिखाता था और अच्छी चीज़ को गायब कर देता था, अब तो इसकी शैतानी जो थी इस मिरर की वो और बढ़ गई थी। इवन मोर मिसचीफ देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा शैतानी इसकी बढ़ गई थी इस मिरर की। कैसे, इवन इफ अ टाइनी पीस वेंट इन टू समवंस आई दैट आई मेड एवरीथिंग एंड एवरीबडी अपीयर डिस्ट्रॉटेड एंड अगली। इवन इफ अ टाइनी पीस, मतलब अगर इसका एक छोटा सा भी टुकड़ा किसी की आंखों में चला जाए, वेंट इन टू समवन आईज, किसी की आंखों में चला जाए, दैट आई मेड एवरीथिंग एंड एवरीबडी अपीयर डिस्ट्रॉटेड एंड अगली, तो वो आंखें कैसा दिखने लगता था, वो आंखें अब जो सामने वाली चीज़ें थी वो उनको बहुत डिस्ट्रॉटेड और अगली दिखने लगता था। डिस्ट्रॉटेड मतलब आउट ऑफ शेप, मतलब वो कोई चीज़ गोल है तो उनको लंबा दिखने लगता था, कोई चीज़ लंबा है तो उन्हें गोल दिखने लगता था, अजीब से शेप दिखता था और वो शेप कैसा होता था, अगली सा होता था। ठीक है, एंड इफ अ बिट ऑफ इट वेंट इन टू द हार्ट देन इट वॉज इवन वर्स। अगर अब क्या होगा, सब बिट ऑफ इट किसी के हार्ट में चला जाए, मतलब उस कांच का टुकड़ा किसी के हार्ट में चला जाए तो क्या हो जाएगा, अब तो और भी वर्स हो जाएगा, और भी ज़्यादा बुरा होगा। फॉर द हार्ट वुड नॉट बी एबल टू लव और फील। अब उस हार्ट में क्या होगा, ना कोई प्यार होगा और ना ही किसी चीज़ की फीलिंग होगी। द पर्सन माइट हैव अ क्लेवर ब्रेन बट देयर वुड बी नो लव इन द हार्ट। हो सकता है जो वो कांच का टुकड़ा जिसके हार्ट में चला जाए उसका दिमाग कैसा हो जाए, बहुत ज़्यादा क्लेवर हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, लेकिन उसके दिल में क्या होगा, किसी के लिए प्यार नहीं होगा। देयर वुड बी नो लव इन द हार्ट। एंड वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ क्लेवर ब्रेन इफ देयर इज़ नो लव इन द हार्ट। और फिर ऐसे तेज दिमाग का क्या फ़ायदा जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार ही ना हो। एसके हैड सेट देयर लिसनिंग टू ग्रैंड मदर अ टाइनी स्प्लिंटर ऑफ अ ग्लास फ्रॉम द ट्रोल्स मिरर हैड गॉन इन टू हिज आई एंड अनदर इन टू हिज हार्ट। अब क्या था, जबकि बैठा हुआ था अपने ग्रैंड मदर की कहानियों को सुनने के लिए, तभी क्या हुआ कि टाइनी स्प्लिंटर ऑफ ग्लास फ्रॉम द ट्रोल्स मिरर, जो स्प्लिंटर था, जो कांच का टुकड़ा था उस ट्रोल मिरर का, वो कहाँ चला गया, हैड गॉन इन टू हिज आई, वो उसके के आँख में चला गया। और दूसरा कांच का टुकड़ा कहाँ चला गया, इन टू हिज हार्ट, उसके हार्ट में, उसके दिल में चला गया। दैट वॉज वाई ही हैड बिकम प्राउड एंड बोस्टफुल। और इस वजह से वो कैसा हो गया था, बहुत ही घमंडी, प्राउड मतलब घमंडी हो गया था, और बोस्टफुल मतलब एरोगेंट।
दैट वॉज वाई ही स्कोफ्ड एंड स्नेर्ड, मतलब और इसी वजह से वो क्या कर रहा था, दूसरों का मजाक उड़ा रहा था और इंसल्ट कर रहा था। स्कोफ्ड मतलब मेक फन ऑफ, एंड स्नेर्ड मतलब इंसल्ट करना किसी का। ही हैड बिगन टू हैव अ क्लेवर माइंड बट लव हैड गॉन आउट ऑफ हिज हार्ट, उसका दिमाग अब कैसे हो रहा था, बहुत ही तेज हो रहा था, लेकिन उसके हार्ट से क्या हो गया था, किसी के लिए प्यार और फीलिंग ख़त्म हो रहे थे, है ना यहाँ पे, बट लव हैड गॉन आउट ऑफ हिज हार्ट। केट टॉस्ड हिज हेड एंड रैन आउट इनटू द स्ट्रीट, के अपना सर ऐसे ऊपर झटकता है और वो दौड़ के कहाँ चला जाता है, गलियों में चला जाता है, घर के बाहर चला जाता है, गलियों में जाके देखता है बाकी लोग क्या हो क्या कर रहे हैं। ही वॉच द बिग बॉयज, वो क्या हुआ, वो वहाँ पे देखा जो बड़े बड़े लड़के थे वहाँ पे, उनको देखने लगा, वॉच करने लगा। दे वर टाइंग देयर स्लेजेस टू द वैगन ऑफ द फार्मर्स एंड गेटिंग फ्री राइड्स, और वो बड़े बच्चे क्या कर रहे थे कि वो अपने अपने स्लेज को फार्मर्स के वैगन के पीछे बांध दिए थे, और जैसे जैसे उनका वैगन चल रहा था वैसे वैसे उनका स्लेज स्लाइड कर रहा था, जिस पे वो खूब इंजॉय कर रहे थे राइड को। सडनली अ बिग वाइट स्लेज केम स्पीडिंग डाउन द स्ट्रीट, तभी अचानक से क्या होता है, एक वाइट कलर का स्लेज बहुत ही तेजी से आकाश से उड़ता हुआ वो कहाँ आता था, नीचे जमीन पे उतरा। इट्स राइडर वॉज ड्रेस्ड ऑल इन वाइट एंड इट वॉज ड्रॉन बाई हॉर्सेज, और जो उस स्लेजर का जो राइडर था वो कैसा था, वो उसके पूरे कपड़े वाइट कलर के थे, और उस स्लेज को कौन चला रहा था, उस स्लेज को हॉर्स चला रहा था, जैसे कि ये जो बड़े बच्चे थे इनका जो स्लेज था किससे बंधा हुआ था, एक वैगन से, लेकिन यहाँ पे जो राइडर था उसका स्लेज किससे बंधा हुआ था, उसके हॉर्सेस से बंधा हुआ था। के विश्ड ही कुड टाई हिज स्लेज टू इट, और के ने जब वो स्लेज को देखा तो वो सोचा काश मेरा स्लेज भी इस हॉर्स से बंधा होता। हार्डली हैड द थॉट केम इन टू हिज माइंड वैन ही फाउंड हिज स्लेज एक्चुअली अटैच टू द बिग वन विथ अ रोप एंड स्पीडिंग आफ्टर इट। हार्डली मतलब ये जैसे ही वो ये बस सोच ही रहा था कि उसने क्या देखा कि उसका जो स्लेज था वो भी उस बड़े स्लेज के साथ क्या हो गया था, एक रोप से अटैच हो गया था, मतलब एक बांध दिया गया था, अटैच मतलब कनेक्ट हो जाना, रस्सी से बंध गया था, ठीक है, और वो तेजी से उसके पीछे स्लाइड करने लगा था। फास्टर एंड फास्टर इट वेंट के फेल्ट एक्साइटेड, जितना ज़्यादा वो तेजी पकड़ रहा था, जितना ज़्यादा वो तेज स्लाइड कर रहा था, के को उतना ज़्यादा क्या आ रहा था, मज़ा आ रहा था, एक्साइटेड मतलब इन्जॉय करना, वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। बट नॉट फॉर लॉन्ग, सून ही बिगन टू फील स्केयर्ड, बट द राइडर टर्न राउंड एंड नॉडेड सो काइंडली एट हिम दैट हिज फियर वैनिस्ड, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला, बट नॉट फॉर लॉन्ग, अब क्या हो रहा था, अब के को डर लगना स्टार्ट हो रहा था। सून ही बिगन टू फील स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डर, डर लगना, अब के को डर लगना स्टार्ट हो गया था। बट द राइडर टर्न राउंड, लेकिन राइडर ने राइड को रोका नहीं, वो क्या किया, उस वो पीछे घुमा एंड नॉडेड सो काइंडली, और बहुत प्यार से उसके तरफ नॉड किया, नहीं डरो, नहीं कुछ नहीं होगा, एट हिम उसे देखकर, दैट हिज फियर वैनिस्ड, और ये देखकर क्या हुआ, के का डर गायब हो गया, वैनिस्ड मतलब गायब हो जाना। बट इट रिटर्न, पर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो डर उसका फिर से वापस आ गया। एंड नाउ ही सॉ हाउ हिज स्लेज वॉज मूविंग बाई इटसेल्फ विदाउट अ रोप, अब उसने देखा थोड़ी देर बाद उसे क्या दिखा कि उसका जो स्लेज था वो अपने आप ही स्लाइड कर रहा है, उसे मतलब किसी और स्लेज के साथ उसका जो स्लेज है वो टाई अप ही नहीं है, वो अपने आप बिना किसी के टाई अप ही था, और वो उसका स्लेज स्लाइड करता चला जा रहा था, और ये देख के वो बहुत डर गया। ही टर्न टू लुक एट हिज कंपेनियन, और वो तुरंत पीछे घूम के अपने कंपेनियन, कंपेनियन मतलब जिसके साथ कंपनी जो देता आपके साथ जो है उसको ढूंढा कि वो कहाँ चला गया। शी वॉज अ टॉल स्ट्रेंज ब्यूटिफुल वुमन पेल एंड वाइट विथ कोल्ड ग्रे आइज दैट मेड के शीवियर, क्या हुआ कि वो बहुत एक लंबी अजीब सी सुंदर सी औरत थी, और उसके कलर भी एकदम वाइट पेल था, उसकी आँखें कैसी थी, उसकी आँखें ग्रे आइज थी,
और ये सब देख के के क्या कर रहा था, डर से कांप रहा था, शिवर के शिवर डर से कांप रहा था। यू लुक कोल्ड, शी मर्मर टू के, तुम बहुत ही कोल्ड दिख रहे हो, तुम बहुत ही ठंडे हो गए हो डर से। उसने क्या के से ये बात बोला, कम टू मी, एंड के वेंट ओवर टू हर। उसने के को बुलाया अपने पास कि मेरे पास आओ, कम टू मी, और के क्या किया, के उसके पास चला गया। शी रैप्ड हिम अप इन हर वाइट फर कोट एंड किस्ड हिम अगेन एंड अगेन। उसने क्या किया, के को अपने वाइट फर कोट में उसे रैप कर लिया और उसे बार बार किस करने लगी। एंड विथ ईच किस शी गेव हिम के फॉरगेट हिज पास्ट, और हर किस के साथ क्या हो रहा था, के अपना जो भी पास्ट था, अपना पिछली जो भी बातें थी उसकी, वो उसको क्या कर रहा था, फॉरगेट कर रहा था। फॉरगेट मतलब भूल रहा था। ही फॉरगॉट हिज होम एंड द विंडो बॉक्सेस विथ दियर रोजेस। वो क्या भूल गया था, वो अपना घर भूल गया था, वो उन विंडो को भी भूल गया था जहाँ पे उसने, जिस बॉक्सेस में उसने क्या लगा रखा था, रोजेस को लगा रखा था। ग्रैंड मदर एंड इवन जर्डा, अब वो ग्रैंड मदर को भी भूल गया था और यहाँ तक कि वो जर्डा को भी भूल चुका था। स्पेल बाउंड ही सेट बाय द वुमन, अब जादू चल चुका था, अब वो क्या था, वो उस वुमन के साथ बैठा हुआ था। ही हैड बिकम लाइक अ थिंग ऑफ आइस, वो एक बर्फ का पुतला, जैसे एक स्नोमैन होता है ना, बर्फ का बस एक जगह बना के रख दो तो वहीं खड़ा रहता है, उसी तरह वो क्या हुआ था, बस वो एक बर्फ जैसा बन के वो वहीं पे उसके बगल में बैठा हुआ था। एंड ही वॉज थिंकिंग, अब वो क्या सोच रहा था, हाउ ब्यूटिफुल एंड वाइस इज, अब वो ये सोच रहा था कि वो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी है ये। दे स्पेड ऑन अंडर द मून ओवर द ओशंस एंड माउंटेन्स, अब स्लेज क्या था, तेजी से मून से होते हुए ओशन के ऊपर से उड़ते हुए और माउंटेन्स उड़ते हुए वो बहुत तेजी से जा रहा था। द अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस एंड स्नो, अब जो अर्थ था वो किससे कवर्ड हो चुका था, आइस एंड स्नो से। एंड देयर वॉज साइलेंस एवरीवेयर, और हर तरफ कैसा था, साइलेंस था, सन्नाटा था। सून के फेल अस्लीप एंड द स्लेज स्पेड ऑन, जल्दी, सून मतलब जल्दी, के को क्या हो गया, नींद आ गया, के सो गया और जो स्लेज था वो और स्पीड पकड़ लिया, वो और तेजी से उड़ने लगा। ओके, सेकेंड चैप्टर द ट्रोल्स मिरर ऑफ द स्टोरी द स्नो क्वीन इज कम्प्लीटेड हियर। होप यू गाइस अंडरस्टूड द स्टोरी टिल नाउ, इफ यू डू सो देन प्लीज स्मैश द लाइक बटन। सून वी मीट विथ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द स्टोरी द मैजिक गार्डन, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।